डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि इंडेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर से है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस तरह से है, साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए। इसके ढेर सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स अपॉन, मैं यहां कॉम्बिनेशन भी लिख देता हूं ताकि आप घर पे खुद भी ट्राई कर सके, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, कुछ भी हो सकता है और साइन की जगह कॉस भी आ सकता है। एक और लिख देता हूं मैं आपको, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है। ये सारे इंटीग्रल्स लगभग एक ही तरीके से होते हैं, इसमें हम डिनोमिनेटर को टी पुट कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी वो इसको एक्स माइनस ए को टी पुट किया, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो आप देखेंगे डी टी इज व्हाट, डी टी बाई डी एक्स इज 1, ए का 0, तो ये जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, देयरफॉर डी एक्स। अब देखिए आपके पास क्या है, साइन एक्स है, लेकिन अब x चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने जब सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो जब दोस्तों सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, अगर हमने x माइनस ए को क्या रख दिया, t रख दिया, तो अब हमें x में कुछ भी नहीं रखना है, पूरी कोशिश करना है हमें कि x से हम t में आ जाए। तो x से t में कैसे आएंगे आप, तो x से t में आएंगे उसके लिए आपको यहां हेल्प है, जहां आपने सब्स्टिट्यूट किया है वहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, t प्लस ए होल अपॉन साइन x माइनस ए इज व्हाट, t dx, देखिए dx एंड dt बोथ आर सेम, क्यों आपको मैंने बताया डिफरेंशिएट किया है इसलिए। अब देखिए साइन t प्लस ए का एक्सपेंशन, साइन t cos a प्लस, साइन ए प्लस भी लगेगा, cos t साइन ए होल अपॉन साइन टी। अब आपको समझ गए होंगे कि अब सेपरेट करेंगे हम, तो सेपरेट करेंगे तो साइन टी से साइन टी कैंसिल, ऐसा करेंगे सेपरेट, साइन टी कॉस ए साइन टी प्लस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी dt। अब देखिए साइन टी कैंसिल हो गए आपके, तो आपके पास बचेगा कॉस ए, इंटीग्रल भी हम सेपरेट कर देते हैं, तो इंटीग्रल अब सेपरेट अगर करेंगे तो ये क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस ए dt प्लस, प्लस के बाद देखिए क्या होगा, साइन ए और कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी, तो साइन ए कॉट टी डी टी। अब इसमें आप कॉस ए को कॉमन ले लें, क्यों कॉमन ले लें, बिकॉज कॉस ए इज कॉन्स्टेंट, हाउ डू वी कम टू नो इट इज अ कॉन्स्टेंट, इसका पता इससे चलेगा कि डी के अंदर कौन है, टी, तो इसका मतलब टी को छोड़ के सभी कुछ कॉन्स्टेंट होगा, देयरफॉर ए एंड फंक्शन ऑफ ए विल बी कॉन्स्टेंट, तो इसको बाहर ले, यहां पर आएगा केवल dt, dt के साथ में अगर आप रखना चाहे तो 1 रख दे, और 1 का इंटीग्रल आपको मालूम है विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dt के रिस्पेक्ट में इसका t होगा, अगर dx होता तो x होता, इसी तरीके से sin a को कॉमन ले, cot t को कॉमन नहीं ले सकेंगे, तो ये जाएगा आपके पास cos a, इंटीग्रल ऑफ 1 इज t, साइन ए इंटीग्रल ऑफ कॉट टी लॉग ऑफ साइन टी बेस ई प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। अब आपको टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो व्हाट इज टी, तो टी इज एक्स माइनस ए, तो यहां पे रख दें कॉस ए एक्स माइनस ए प्लस साइन ए लॉग ऑफ साइन टी बेस ई
प्लस प्लस देखें आप क्या आया, प्लस आया आपके पास c। अब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा x cos a प्लस साइन a log साइन t बेस e प्लस c माइनस, इसको मैंने छोड़ दिया था ना यहां, आप देखिए माइनस a इंटू कॉस a क्या होगा, माइनस a cos a विच इज अगेन अ कॉन्स्टेंट, ये भी एक कॉन्स्टेंट है, तो c माइनस a cos a की जगह आप एक नया कॉन्स्टेंट लिख दें x cos a प्लस साइन a log साइन t बेस e प्लस अनदर कॉन्स्टेंट k। और नहीं लिखना चाहते आप नो प्रॉब्लम, आप यहां आंसर छोड़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर इससे फायदा आपका यह होगा कि आप अपने आंसर को बुक से मिला पाएंगे, तो आप इसे खुद सॉल्व करें। मैंने जो आपको क्वेश्चंस और क्वेश्चन सजेस्ट किए, डू सॉल्व देम यूजिंग योर इंडिपेंडेंट मेथड और करके देखें, इनके आंसर चेक करें, कॉन्फिडेंस गेन करें और अपने कमेंट्स मुझे लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आगे बढ़े। विश यू ऑल द बेस्ट।